तो है दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आज आपके लिए लाऊं 5 ऐसे आउटफिट जो कि आप कहीं भी कैजुअली पहन के जा सकते हो। फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपक एंड वेलकम टू माय चैनल। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट ही कर देते हैं, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से टाइम की बर्बादी होती है। पहला है टी शर्ट। टी शर्ट आप कहीं भी कैजुअली पहन के जा सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे कहीं भी पहन के जा सकते हो, लेकिन उसे आप कैजुअली कहीं भी कैरी कर सकते हो। आप कहीं पार्टी में भी जा रहे हो कैजुअली, जान पहचान के ज्यादा नहीं, जैसे बर्थडे पार्टी में जा रहे हो तो आप उन्हें वहाँ कैरी कर सकते हो। वो आपको काफी एक क्लासिक एंड सेक्सी लुक देगा। उसे आप कहीं भी कैजुअली, कहीं आप घूमने जा रहे हो, कहीं आप टूरिस्ट बन के जा रहे हो, आप वहाँ भी उसे पहन सकते हैं। और उसके साथ अगर आप एक्सेसरीज पहन ले तो आपको एक औसम लुक और ज्यादा ही आपको खुद डेवलप कर दे। साथ में है नंबर 2 पे पैंट। पैंट आप बहुत तरह के आ गए, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि पैंट आजकल मार्केट में 5-6 पैंट ऐसे हैं जो कि आपको बहुत ही क्लासिफाई लुक देगा। लेकिन आप कहीं कैजुअली पहनना चाहते हो, जैसे कि आप कहीं जा रहे हो पार्टी में, कहीं भी कैजुअली, जैसे घर के बाहर ही जा रहे हो, तो आप हर जगह पर जीन्स कैरी नहीं कर सकते हैं। कुछ पैंट और भी हैं जो कि आपको काफी अनकंफर्टेबल फील करवाता है। तो मैं आज आपके लिए लाया हूँ चीनोज। चीनोज बहुत दिन सालों से या दिनों से ट्रेंडिंग पे चल रहा है हमारे यहाँ। वो इसलिए क्योंकि उनमें जो कलर मिल जाते हैं वो एक जीन्स में तो आपको कभी नहीं मिल सकता। वो उनमें बहुत से मुख्तलिफ कलर भी आ जाते हैं। चीनोज की यही खासियत है मार्केट में कि उनमें बहुत सी कलर है, तो आप उनसे भी कैरी कर सकते हो और आपको एक कंफर्टेबल लुक भी देता है। और अगर आप उन्हें टी शर्ट के साथ कैरी करते हो तो आपको एक क्लासिक लुक देता है, बिल्कुल सेक्सी वाला। और नंबर 3 पे है ब्लैक ब्लू डेनिम जीन्स। ये आपको मैं क्या बोलूँ, अगर कोई मुझसे ये पूछे कि आप पूरी जिंदगी एक पैंट में गुजार सकते हो, तो मेरा मानना होगा कि ब्लू डार्क डेनिम जीन्स। क्यों? क्योंकि आप इसे वक्त के हिसाब से, अगर ये पुराना भी हो जाए, इसकी रंग छोड़ दे, तब भी आप इसे यूज कर सकते हो, क्योंकि इनकी जो मटेरियल होती है वो काफ़ी सॉफ्ट एंड कैरी होता है। और ये आपके वक्त के हिसाब से रंग भी नहीं उतर सकता है। वक्त ज़्यादातर ब्लैक ब्लू डार्क जीन्स ये काफ़ी दिनों तक चलता है। और इसका अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं तो ब्लैक ब्लू डेनिम जीन्स ही चॉइस करूँगा, क्योंकि वो काफ़ी कंफर्ट एंड सेक्सी लुक भी देता है अगर आप उन्हें एक टी शर्ट के साथ और कैरी करें तो। मैं बहुत देर से टी शर्ट कह रहा हूँ, वो इस कारण टी शर्ट, बहुत से लोग शर्ट्स या टी से शख्स ऐसे होते हैं जो कि टी शर्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हो लेकिन वो नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें मार्केट में कुछ ऐसे टी शर्ट मिल जाते हैं जिनकी लेयर पतली होती है। तो आप उन्हें में अपने पैसे इन्वेस्ट ना करें, आप कुछ ऐसे टी शर्ट में इन्वेस्ट करें जो कि उनमें क्वालिटी एंड कलर्स एंड और वो राउंड नेक तो होना ही चाहिए, क्योंकि वजह एक आपको जो वी नेक एंड राउंड नेक में फ़र्क होना चाहिए। ये काफ़ी आजकल ट्रेंड पे भी है कि राउंड नेक एंड बहुत ही कैजुअली है ना आपको क्लासिफाई लुक दिया। और राउंड नेक का एक और फ़ायदा है जो कि आप अगर एक पतले बंदे हैं तो ये आपके नेक को ज़्यादातर ढक देता है, वजह ऐसे आपको पता भी नहीं चलने देता कि आपके शरीर में कुछ, मतलब कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो कि आपको नहीं देखने को मिलता है। वही वी नेक में आपको वो वी का होता है जो कि आपकी छाती दिखती है यार, उसके अगर उसके कुछ और पहन लिया तो वो तो साफ साफ दिखता ही है। तो आप, मैं तो राउंड, अगर मेरी तरफ से बोला जाए तो मैं तो एक राउंड नेक में इन्वेस्ट करना चाहूँगा, ताकि वो आपको एक क्लासिफाई लुक देगा। और मैं जहाँ तक बता दूँ, आप अपने पैसे ऐसे चीज़ में ना लगाएं जिसमें वो बर्बादी हो। नंबर 4 तो भूल ही गए, तो ये नंबर 4 है शर्ट, भी आपको एक क्लासिफाई लुक देगा। आजकल मार्केट में बहुत से शर्ट आ गए प्रिंटेड एंड लोअर क्लास के, बहुत से आ गए। जैसे वजह, एक मिनट मैं आपको यू, ये कुछ बंदों को अच्छे भी लगते होंगे और ये गर्मियों के लिए सही भी होता होगा, लेकिन मैं जहाँ तक बता दूँ, आप ऐसे चीज़ में इन्वेस्ट ना करें जो कि आपको पैसे भी लगे और आपको कुछ अच्छे लुक भी ना मिले। ज़्यादातर तो मैं बताऊँ तो, अगर आप शर्ट ले रहे हो तो प्रिंटेड तो आप ना लें। आजकल आगे मार्केट में बहुत से ऐसे शर्ट आ गए हैं जो कि राउंड बॉक्स के आते हैं और उनकी लेयर काफ़ी मोटी होती है, अगर आप उन्हें एक टी शर्ट के ऊपर पहन लें तो आपको बहुत ही सेक्सी लुक देता है। तो आप, जहाँ तक मेरी चॉइस है, तो आप हर चीज़ में अगर पैसे थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट करें तो आपको एक अच्छे क्वालिटी का सामान मिल सकता है। तो आप 400 ना देखें बिल्कुल भी, ये ना सोचे कि अच्छी क्वालिटी एंड
बेकार क्वालिटी को ना, आपको ऑफकोर्स अच्छी क्वालिटी में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि बेकार क्वालिटी का तो 4 दिन चल जाएगा, लेकिन अच्छी क्वालिटी का महीने भर चल सकता है। 5 पे एक्सेसरीज, बीच में मैंने इसके बारे में बात की थी, आई होप शायद नोटिस की होगी कि नहीं की होगी, लेकिन मैं बता दूं एक्सेसरीज काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। मैं कैजुअली बहुत पहनता हूँ एक्सेसरीज, क्यों काफ़ी पसंद है बचपन से ही मेरे को, तो इसलिए एक्सेसरीज में मैंने काफ़ी पैसे भी बर्बाद किए हैं। जस्ट जो टाइम पे बच्चे अपने लोग चॉकलेट खाया करते थे, जस्ट 9-10 साल की उम्र में एक्सेसरीज लाता था खरीद के। यू बिलीव, मतलब विश्वास है कि नहीं पता नहीं तुम्हें, लेकिन आई होप मैंने एक्सेसरीज बहुत काफ़ी पहना है। बात करें एक्सेसरीज में, लेकिन आप आजकल बहुत मार्केट में आ गए, आप एक्सेसरीज, एक राउंड नेक एक्सेसरीज, नेक के लिए तो आपको एक लेना ही चाहिए, और एक हैंड में एक्सेसरीज का मतलब ये नहीं कि एक्सेसरीज लें, लेकिन आप वॉच के दीवाने हैं तो आप एक वॉच भी ले सकते हैं। वजह किसकी, इसकी कि आपको एक्सेसरीज नहीं तो आप एक घड़ी का इस्तेमाल करो तो आपको काफ़ी एक क्लासिक फाइल लुक देगा, आपको ऐसे लगेगा कि आप डिसेंट हो, काफ़ी इंटेलिजेंट भी लग सकते हो। वो तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप हो कि नहीं हो। तो आपको जो मैंने बताया वो ध्यान रखो, कुछ दिनों आप भी क्लासिक फाइल लुक ले सकते हो। ऑब्वियसली यार हर में कुछ खास बात होती है, बस थोड़ा सा सेंस होना चाहिए। अगर आपको ड्रेसिंग सेंस नहीं है तो आप मेरी वीडियो देख के तो समझ ही जाओगे कुछ दिनों में, दिक्कत ही क्या है, बस चैनल को सब्सक्राइब करने की देरी है, और एक कमेंट कर दे जरूर। इससे क्या होगा कि मैं अगली वीडियो के लिए आपके लिए कुछ और बना के अच्छा लाऊंगा, ताकि आपको थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट मिल सके। तो एक लाइक करके जाए, ताकि कोई वीडियो डालो तो नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले, वो लाइक से आगे वीडियो बढ़ती है ना, और नोटिफिकेशन पे क्लिक जरूर कर दे, ताकि मैं वीडियो डालूँ ताकि आपको पता चले। तो